डकैती में लूट की तीन वारदातों में लिप्त नौ अपराधी गिरफ्तार। एसपी को राष्ट्रदीप ने किया तीनों वारदातों का खुलासा। प्यार पुलिस ने तत्परता से कसा अपराधियों पर शिकंजा। जिला पुलिस अधीक्षक को राष्ट्रदीप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील देवतिया व वृत्त अधिकारी हिरला सैनी के निर्देश अनुसार ब्यार वृत्त क्षेत्र के सिटी सदर व मसूदा थानों की पुलिस टीम ने डकैती में तीन लूट गंभीर वारदातों में लिप्त नौ अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। गुरुवार अपना 4 बजे सदर थानों में तीनों वारदातों को खुलासा करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को राष्ट्रदीप ने बताया कि सदर थानाधिकारी शमशेर खान, सिटी थानाधिकारी रामेंद्र सिंह हाड़ा व मसूदा थानाधिकारी अनिल कुमार पांडे में मसूदा थाने में बीते दिनों 13 जुलाई को पहली वारदात में परिवादी व उसकी पत्नी के साथ रात्रि में सोते वक्त 6 से 7 अपराधियों ने दोनों पति व पत्नी के साथ मारपीट कर स्त्री के जेवरात लूट लिए थे। गिरफ्तारी हुई है, आखिर में बड़ी एक अच्छी उपलब्धि मिली है, क्या है? देखिए, तीन महत्वपूर्ण प्रकरण हैं ब्यावर सरजी के, जिनमें कि आज खुलासा किया जा रहा है। ब्यावर सरजी के जो सभी अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से इसमें काम करते हुए तीन महत्वपूर्ण बड़ी घटनाओं का खुलासा किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण घटना डकैती की एक वारदात है जो अभी 13 जुलाई को हुई थी, जिसमें कि एक महिला के जेवर रात में हमला करके पति के साथ में मारपीट करके महिला के जेवर को ले गए थे वो लोग। और इस घटना में पैर के कड़े काटने का भी प्रयास किया गया था, क्योंकि हो सकता है कि पैर काटने तक इस वारदात को देते अगर वो समय पर जाग नहीं हो जाती, वो भाग नहीं जाते। इस घटना में 6 लोग जो हैं वो पुलिस के द्वारा पकड़े गए, इनमें से 3 बालिग और 3 नाबालिग हैं। जो बालिग हैं उनके नाम हैं सुनील काठा, दीपक और संजू काठा। इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये 3 नाबालिग लड़के हैं, उन्हें निरुद्ध किया गया और इस प्रकार से ये वारदात का खुलासा किया गया। दूसरी घटना है जिसमें कि असलम नाम के व्यक्ति के साथ में जो कि मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसे रोक करके लूट की वारदात अंजाम दी गई थी। उस वारदात में 3,000 रुपये, उसका सारा सामान, पैन कार्ड वगैरह सब उसे छीन लिए गए थे चाकू की नोक पर। उसमें जो मुलजिम है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 2 व्यक्ति हैं साहिल और गोविंद राम, इनकी गिरफ्तारी की गई है। और इसी तरह तीसरी घटना है जो कि 16 जुलाई को ही अभी हुई थी, एक ट्रक चालक के साथ में लूट की घटना की गई थी। उसमें भी जो व्यक्ति है पिंटू उर्फ दिलीप सिंह, उसकी गिरफ्तारी की गई और उसके साथ जो व्यक्ति था उसकी तलाश आई। इसमें और कोई पेंडिंग चल रही है? नहीं, इस तरह के जो मेन मामले थे वो तीनों ही डिस्पोजल हो गया है। इनमें जरूर एक दो व्यक्ति और हो सकते हैं, उनकी जाँच की जा रही है। इंटरोगेशन से जो बातें आएंगी उसके आधार पर। Thank you.